जय श्री ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमो अरिहंतार्णम नमो सिद्धार्णम नमो आयिरियाणम नमो वज्जायाणम नमो लोये सब साहून असुर मनुषिन्द बंदिदं दोदघायिकं मलम पण्मामि बढ़मानम तिथम धम्मस कर्तारम् गाथा पाठ करें 274। हे ज्ञान दर्शन शोधता निज शोधता श्रामण है हो शोध ज्ञान निर्वाण सत सत बार उनको टीका में एक विशेष शब्द आया है, मूल गाथा में तो नहीं लेकिन टीका में। उनके सर्व मनोरथों के स्थानभूत मोक्ष तत्व के साधन तत्व रूप शुद्ध को जिसमें परस्पर अंग अंगी रूप से परिणमित भावक भाविता के कारण स्वपर का विभाग अस्त हो गया है ऐसा भाव नमस्कार हो। देखो एक भाव नमस्कार करने के लिए 3 लाइन का 4 लाइन का सेंटेंस लिखा है, इतना बड़ा अधिक कहने से क्या इसके ऊपर आया। हाँ अधिक कहने से क्या, ऊपर तो चल गई चर्चा सारी। सर्व मनोरथों के स्थान भूत शुद्धोपयोग कैसा है, सर्व मनोरथों के स्थान भूत है। आया समझ में? सर्व मनोरथों के स्थान भूत। जी मनोरथ क्या चीज है? देवीदास जी ने उसको छंद लिखा है उसमें, नहीं जयसेनाचार्य जी ने कहा, अमरचंद स्वामी ने कहा, जयसेनाचार्य जी क्या कह रहे उसको भी देखो 244 पेज पे ऊपर ही ऊपर है। आचार्य जैसे तात्पर्य वृत्ति टीका में इस गाथा का निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुए लिखते हैं कि यहाँ यह कहा गया है कि इस मोक्ष के कारण वो शुद्धोपयोग के माध्यम से मिला संपूर्ण इष्ट मनोरथ सिद्ध होते हैं ऐसा मानकर शेष मनोरथों को छोड़कर इसमें ही भावना करना चाहिए। मनोरथ की चर्चा दोनों ने ली, मूल गाथा में तो ऐसी बात नहीं दिखती लेकिन नमस्कार कर रहे हैं ना तो बंदे तद्गुण लब्ध है, नमस्कार कर रहे तो बंदे तद्गुण लब्ध है। ये मैं सब बात बता दिया, मैं इसको चलाऊंगा, पढ़ लेना सब समझ में आए क्या क्या बात चली। उपयोग एकाग्र हुए थी देर में, नमस्कार कर रहे हैं तो बंदे तद्गुण लब्ध है में से अर्थ निकाला, भाव नमस्कार, नमस्कार तो किया ही ना, तो नमस्कार का अर्थ भाव नमस्कार की है। द्रव्य नमस्कार अनादि से कर रहा है जी, तो भाव नमस्कार नहीं किया। द्रव्य नमस्कार करना सर नमस्कार, हमें बचपन से द्रव्य नमस्कार की आदत डाल दी गई है। ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो हंतणम, पहले ऋषभ देव जी दूसरे अजितनाथ जी वीतराग सर्व गेतंकर सकल गे गया एक तदपि केवल रवि किरणों से जिसका, मुझे सब सब द्रव्य नमस्कार। कुछ कहना चाह रहा हूं ताकत से, द्रव्य नमस्कार की आदत पड़ी हुई है। धन्य है आचार्य देव जो नमस्कार का अर्थ भाव नमस्कार कर रहे।
द्रव्य नमस्कार में कोई ज्यादा पुरुषार्थ नहीं है, मैं तो थोड़ा उसको हल्के कहना चाहता हूं, मैं कोई ज्यादा पुरुषार्थ नहीं, मैं पुरुषार्थ ही नहीं जी कह रहे, असली पुरुषार्थ है भाव नमस्कार। तो हम भी कहते सब सब हो मेरी ऐसी दशा कि रुक जाओ गप्पे मत ठोको, हम भी रोज कहते हमें भी सम्यक दशा, हमें भी ज्ञान ज्ञायक मिले, हम भी वीतरागी हूं, हमें भी मुनि बन जाए, हमें भी मोक्ष। हाँ भाव नमस्कार करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, दृष्टांत ही दूंगा, नहीं समझा पाऊंगा ऐसे। भाव नमस्कार समझ गए, सतनत्रय रूप परिणमित होना, मुनि दशा रूप परिणमित होना, सिद्ध बनने रूप परिणमित होना, सिद्ध दशा रूप, इसका नाम भाव नमस्कार। तो मैं दृष्टांत देता हूं, आपका हमारी बहुत भावना है दिगंबर मुनिराजों के आहार हो हमारे, भावलिंगी संत हो, मैं उन्हें पढ़ गा हूं और उन्हें आहार दू, हमारी बहुत भावना है। तो हम कह रहे तो मायाचारी कर रहे, हमारी भावना हम रोज कहते हैं, कोई कहने की बात ही नहीं, कहना नहीं है। भाव नमस्कार समझे, आपकी सच्ची भावना हो, सच्ची भावना हो तो सबसे पहले तो आप प्रतिज्ञा लो कि आप मुनिराजों के योग्य भोजन ही जीवन भर करोगे। अब कितना कठिन हो गया कहने में क्या लगता है, ओ मेरी भावना मेरी भावना। लोग हमें मिलते हैं ना, पंडित जी हमारी बड़ी भावना है आपको आहार करा दे, करा और कुछ है ही नहीं, फिर क्या कह रहे पानी नहीं है, चौका नहीं है, घी नहीं है, दूध नहीं है, कुछ सामान नहीं है, आटा नहीं, नमक नहीं, गेहूं धुले नहीं, कुछ नहीं, फिर कैसे करा दे। समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, वो मुनिराजों को आहार कराने के लिए इतनी तैयारी चाहिए, ऐसे ही रत्नत्रय रूप परिणमित होने के लिए द्रगुण पर्याय का निर्णय चाहिए, भावना चाहिए, लगन चाहिए, जिज्ञासा चाहिए, रुचि चाहिए, बारम्बार जैसे चैन नहीं पड़ती। मानो गुरुदेव ने कैसे कैसे दृष्टांत दिए, सम्यक दर्शन के बिना चैन नहीं पड़ती, कैसे कैसे दृष्टांत दिए, तीन दृष्टांत तो मुझे याद है और भी दिए होंगे, तीन तो दिए गुरुदेव ने सुनाए। कुत्ते के सिर में कीड़े पड़ जाते हैं, कुत्ते के सिर में घाव पड़ गया, देखो इधर उधर के घाव होते ना इधर, तो वो चाट लेता है, इधर चाट नहीं सकता वो, इधर है तो चाट लेगा, लेकिन सिर के ऊपर जो घाव होता है ना उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। अब उसको तड़फन हो रही है, कीड़े काट रहे हैं उसको, लेकिन ना वो हाथ लगा सकता, ना पैर लगा सकता, ना जीभ लगा सकता, और कोई इलाज नहीं करता, एक मिनट भी उसे चैन नहीं पड़ती, ऐसी मिथ्याज की पीड़ा हो, इतनी पीड़ा हो, मैं पुरुष हूं ऐसा लगे, मैं क्या सोच रहा हूं, क्या सोच विचारता हूं, क्या अनुभव करता हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं विकार का करता हूं, धिक्कार है, अरे ऐसी पीड़ा होती है, अरे शुद्ध देखे मेरा पीड़ा होती है, ऐसी तो हमें होती नहीं, मत हो तो फिर दूसरी साइड चलो, ओ मैं शुद्ध ही तो हूं, देह से भिन्न ही तो हूं, गाय गई तो हूं, विकार की चिंता क्यों करूं, वे तो नष्ट हो जाएंगे, हम तो गायक है, तो तुम ध्रुव पकड़ो फिर, या तो ध्रुव पकड़ के निश्चिंत हो जाओ, इसको बंद ही कर दो, जरूरत नहीं पड़ेगी, फालतू जलेगी, सब बंद कर दो इस लाइट को, जितना ही पढ़ना है, फिर बाकी चर्चा कल, अगली गाथा की चर्चा कल सुबह करेंगे। आए समझ में आ रहा है, मैंने दो बातें हैं, या तो ध्रुव का अनुभव कर, या उसके लिए निर्णय करो, सत्संग करो, सुबह और कल बात चर्चा बहुत चली, सत्संग करो, बार बार पूछो, चैन नहीं पढ़ना चाहिए। तो एक दृष्टांत ऐसे दिया, फिर दो दृष्टांत तोड़ दिए गुरुदेव ने, जैसे चारों तरफ से आतंकवादियों ने घेर लिया हो जंगल में, आपको पता लगा चारों ओर से आतंकवादियों ने घेर लिया है, और आप एक वृक्ष के नीचे सो रहे हो, मतलब उधर दिखे नहीं है आपको, दिखे नहीं अभी, दिखे नहीं, लेकिन कन्फर्म है आपको कि वो घेर लिया चारों तरफ से, बोलो आपको कैसा लग रहा है,
कैसा लग रहा है बता। हेलो समझ आया? तो जैसे वो एक मिनट भी शांति नहीं मिलती उसे, नहीं लड्डू लड्डू खाओ, लड्डू खाओ, आइसक्रीम खाओ, कैसे खाओगे बोलो बता। तीसरा दृष्टांत है जलते हुए भवन में, जैसे कोई हो उसे पता लग गया जल गई तो कैसे बैठे शांति से, ऐसे अनादिकाल से मैं अष्ट कर्म रूपी आतंकवादियों से घिरा हूं, 70 कोड़ा कोड़ी 30 कोड़ा कोड़ी बोली जो करना नहीं होगा, कितना बड़ा बड़ा भयंकर बंध है, जन्म मरण की कैसी पीड़ा है, इच्छाओं की ज्वाला में जल रहा हूं, विषय कसाई की ज्वाला में जल रहा हूं। अब जब समझ जाए ना भाव पक्ष, उसे चैन नहीं पड़ सकते। यदि अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा। मैंने इतनी उपयोग की अलर्टनेस की जरूरत है। मैं अपना दृष्टांत देता हूं समझाने के लिए, लेकिन लंबा कहूं तो जल्दी समझ में आएगा, लेकिन मैं तो थोड़ा ही कहूंगा, अब आपको अकल लगानी पड़ेगी। सोचो चारों तरफ पृथ्वी पर आग लग रही है और आतंकवादियों ने आकाश में हवाई जहाज में से तुम्हें फेंक दिया जलते हुए जंगल में, ऊपर से हवाई जहाज से, लेकिन एक पटरा ऐसा है इतना चौड़ा, इतना चौड़ा पटरा है, थोड़ा लंबा सा है, यदि किसी तरह तुम बैलेंस करके उस पर उतर जाओ तो बच सकते हो, और नहीं तो तुम्हारा जलना निश्चित है। बोलो आपकी कितनी एकाग्रता होगी, कितनी भावना होगी, भगवान ही भगवान मैं उस पटरे पर ही गिरूं, पटरे पर गिरोगे तो बच जाओ। ऐसे ही क्या कहें सच में, तो मनुष्य भाव ही दुर्लभ, मनुष्य भाव में भी अजैनों को तो भगवान आत्मा की बात सुनने नहीं मिलती, समझता जैनों को, फिर जैनों में से भी जितने मोक्ष कहलाते हैं उनमें भी, मुझे सच कहता हूं जब मैं प्रवचन सुनता हूं तो मुझे बहुत दर्द होता है, मुझे आनंद नहीं आता एक घंटा प्रवचन सुन, क्योंकि मुझे एक ही चीज की तलाश होती है कि ध्रुव की वजन कब आएगा। आपने एक घंटा इन्फॉर्मेशन सुना के खत्म कर दिया और बड़ी गजब चर्चा है, बड़ी गजब चर्चा है, जीव समाज बहुत कठिन पड़ते हैं, अच्छे अच्छे नहीं समझ पाते, देखो मैं समझाता हूं, अरे जीव समाज तो ठीक है लेकिन जीव की दृष्टि कैसे होगी, पूरे द्वादश अंग का सारे ध्रुव दृष्टि, याद रख लो तुम्हारी सोच में, तुम्हारे खाने में, पीने में, उठने में, बैठने में, प्रवर्तन में, प्रवचन में, भक्ति में, तुम्हें ध्रुव ऊर्ध होना चाहिए, जिसको स्वामी जी कहते थे ज्ञायक ने सदा ऊर्ध राग जी, ज्ञायक या मैं ध्रुव कहता हूं उसको, ज्ञायक को ऊर्ध रखो ध्रुव, क्योंकि ये द्वादश अंग का सार है और तुम उसे भुलाने के लिए पढ़ते हो। अभी भी लोगों को ध्रुव में क्या, दो अक्षर का शब्द है, हम जानते हैं हाँ उत्पाद में ध्रुव, उत्पाद में ध्रुव, बस खत्म, अब ध्रुव हो तो क्या, ध्रुव के बिना आपको आनंद नहीं आना चाहिए, पूजा करो तो ध्रुव, पंडित साहब की रचना देखो ध्रुव, अब कोई रचना पढ़ो ध्रुव, हर श्वास उसी के लिए बहे, पंडित जी क्या कहे राजकुमार जी ने, हर श्वास उसी के लिए बहे, हर धुन में वही सवार रहे। अब कोई ऐसा नहीं विकल्प कर करके वो आपको, विकल्प में तो और टेंशन हो जाएगी, जैसे तुम्हारे घर में एक किलो सोना रखा है, सुरक्षित रखा है तिजोरी में, अब विचार थोड़ी करना पड़ता है, उसकी ठसक रहती, ठसक ठसक समझती हो, गुजराती में मोटप, उसको ठसक रहती है, हमारे पास सोना है, भले ही कभी पहने साल में एक बार रखेंगे सुरक्षित, दूसरी महिलाओं को देखती है तुम पे गहने नहीं, खुद नहीं पहने वाले, वो पहने तब तो इतना सस्ता, इतना हल्का, बहुत सस्ती अंगूठी है बेंटेक्स के। मैं दूसरों के गहने ऐसे दिखते हैं उसे, लोग समझ जाते हैं इसके पास गहने हैं, रखें ध्यान रखना, ध्रुव का निर्णय मैंने याद नहीं करना है, अभी आप सबसे ज्यादा परेशान इससे होगी, आपको विचार करना, जबकि हम सुबह निषेध कर चुके, कुछ होना तो चाहिए, सहायक तो है, सरल तो है, जरूरत तो पड़ती है प्राथमिक भूमिका, अरे तुम इतनी बातें क्यों करे, सीधे बोलो ना है,
होना नहीं है, है। निर्णय इसका नाम तो ध्रुव ध्रुव दिख। अब ध्रुव दिख गया मतलब है बस खत्म। अभी तो वही तुमसे कहे क्यों तुम बाल बुद्धि एक पढ़ा दोगे? हाँ पढ़ा दे। अब सोचा भी नहीं कि आठ पार्ट हैं, आठ पार्ट में फला फला पार्ट हैं, उसमें फला फला है, कुछ नहीं सोचना पड़ा। एक झटके में कह दी हाँ पढ़ा दी, क्योंकि आपको निर्णय है कि हमें आठों पार्ट अच्छे से आते हैं। सोचना पड़ा आठ पार्ट हैं क्यों? अब जिस आदमी को कोई पार्ट कमजोर हो तो उसको क्या पढ़ना है आपको? पढ़ा देंगे भाई एक चैप्टर छोड़ के। निर्णय ना तो झटके में, एक झटके में कह देगा एकदम उसकी आवाज, हाँ बताओ देखते हैं। अब देखते हैं कह रहे माने कमजोर हो, पता नहीं आप क्या पूछ लो, पता नहीं क्या पूछे तो झट। तो निर्णय है आपको, फिर कह रहे निर्णय के, मैं तो एक बात कहूं निर्णय का निर्णय करो। सबसे ज्यादा डिफिकल्टी हो रही निर्णय के निर्णय, बहुत सारी पढ़ाई तो कर ली तो निर्णय का निर्णय नहीं हो रहा। ये निर्णय क्या चीज है? अभी भी आपको क्यों मन ही दिखाई देता था विचार वचन चिंतन ओहो वो धुन, निर्णय बड़ी सरल चीज है। कुछ दृष्टांत सुबह दिए, कुछ कल दिए, कुछ परसों दे दिए, आप खुद ही सोचो, हम मदद करेंगे आपकी। निर्णय को विकल्पों की जरूरत नहीं पड़ती, निर्णय को विचारने की जरूरत नहीं पड़ती, निर्णय को सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, कहने की जरूरत नहीं पड़ती। निर्णय इतना सरल काम होता है। कई बार दे चुके दृष्टांत, मैं पुरुष हूं क्यों, इसके लिए क्या करना पड़ता था? बोलो क्या करना पड़ता है? यदि इसके खिलाफ कोई बोलेगा तो फौरन कहो क्यों तुम्हें लड़के 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 वाले कब देखने आ रहे हैं? कैसी बात है, लड़के वाले क्यों आएंगे? वहां तत्काल विरोध आ जाएगा। जी नहीं सोचे, चूंकि मैं शरीर से पुरुष हूं, ये व्यक्ति ऐसा क्यों कह रहा है? इतना थोड़ी बोलना पड़ता, एकदम सीधे, अरे लड़का वाले क्यों आएंगे? एकदम देर नहीं लगती। ऐसे कोई खिलाफ बात करता है तो एकदम आपको होश खड़ा हो जाए, नहीं कैसी बात है, हम ध्रुव है, ध्रुव सुरक्षित है, अप्रभावी है। ये सब निर्णय लिखो इसके है। अब तुम दिक्कत क्यों आ रही है इसमें अनुभव करने में? तो देख लेना विचार और विकल्प की बात रखें और कोई नहीं, बस। गुरुदेव इतना सरल कहते थे हूं की हकार ला, बस हूं की हकार, हकार माने हां। मैं तू हां पाड़, गुरुदेव कहते हां पाड़ तो दशा बदली जाएगी हालत, हां पाड़े तो हालत बदली जाएगी। समझ आई बात? तो नमस्कार का मतलब समझे, द्रव नमस्कार और भाव नमस्कार। भाव नमस्कार में मेहनत करिए आप, बुद्धि को करो, बुद्धि को करो मैंने, अब बहुत मेहनत है, ऐसी नहीं है। अच्छा हम कल सुबह जाके बैठ भाव नमस्कार, अरे भाव नमस्कार ऐसा नहीं। यदि मुनिराज को पड़गाना है तो फिर कुएं का पानी लाओ, शुद्ध भोजन करना शुरू करो, गेहूं तीन बार धो, मसाले धो, सब तैयार करके रखो। अब सब तैयारी करके रखो, अब इंतजार करो हमारी धन घड़ी कब होगी। एट एनी टाइम मुझे आज पधार जाएंगे, हम पड़ गए। दूसरा दृष्टांत दे रहे, दूसरा दृष्टांत भाव नमस्कार के, कितनी मेहनत चाहिए कह रहे। तो नमस्कार में तो क्या है, शरीर है, हाथ जोड़ दो, तो पहले कहा था स्तुति बोल दो, नमकार मन बोल दो, पाठ कर दो, पूजा पढ़ दो, केवल रवि पहले बताया तुम। अभी भाव नमस्कार में मेहनत कितनी है? तत्व निर्णय करोगे, सत्संगति करोगे, चिंतन करोगे, मंथन करोगे। यदि हमसे पूछो ना तो सम्यक दर्शन करने के लिए हमने सबसे अच्छा प्रवचन किया है न्याय मंदिर, जैन सिद्धांत प्रवेश का है, न्याय मंदिर है, मति ज्ञान है, ये सब सम्यक दर्शन के लिए किए, केवल सम्यक दर्शन के लिए। आप सुनना इस गौर से सुनना उसको, जितने प्रवचन, एक भी प्रवचन ऐसा नहीं जिसमें सम्यक दर्शन की चर्चा ना आएगी। और इतने लंबे चौड़े प्रवचन हुए मति ज्ञान के, और मति ज्ञान की बात तो कोई उठाते ही नहीं, मति ज्ञान की बात ही नहीं, मैं तो बहुत उठा था उसमें, उसी की चर्चा आई।
गुरुदेव को ध्यान से सुनना, शरणानियों की बात भी होगी तो ध्रुव से शुरू करते हो, देख लेना। शरणानियों की चर्चा भी ध्रुव से स्टार्ट होगी। दूसरा स्थान दे रहे भाव नमस्कार का, इधर ऐसा बताओ बीच में कौन सा लड़का है ऐसा जो फेल होने की भाव नमस्कार करता है? कौन लड़का है जो फेल होने की सोचता है? भाई देखो अपन पढ़ा तो है नहीं, बस साल भर स्कूल नहीं गए, फेल हो जाए जी ठीक है, कौन सोचता है? बोलो, पूछो उस लड़के से, बोलो बेटे आप में से किसको फेल होना है? तो सब कह नहीं कोई को फेल नहीं होना। अरे कौन कौन को पास होना है? सब बच्चे हाथ खड़े करेंगे। फिर दूसरा प्रश्न पूछो, अब भी बच्चे हाथ खड़े केवल करें जिन्हें फर्स्ट पास होना है, तो कितने बच्चे हाथ खड़े करेंगे? क्यों? अरे पास होना तो समझ में आ गया, चलो फर्स्ट की क्या बात है? नहीं कोई बात नहीं, 60% ही सही। अरे अभी मेहनत की तो हम तो क्या उन गधों की बात कर रहे जो मेहनत ही नहीं कर रहे। हाँ यही यही तो कह रहे। अच्छा फर्स्ट, चलो अब फिर से पूछो सब बच्चों, बेटे 90% से कौन पास होना चाहता है? अब सब तो सबको तो नहीं हाथ खड़े करना चाहिए कार्य। बेटे फर्स्ट रैंक किसको लानी है, कौन लाना चाहता है? तो कौन मना करेगा? ऐसे हम तुमसे कह रहे, अब तुमसे कह रहे यार, ऐसे हम समझ नहीं रहे, बस हाँ कह के सो गए जाके। जैसे फर्स्ट रैंक बनाना है वो पढ़ाई करता है, कोचिंग करता है, ट्यूशन पढ़ता है, नोट्स बनाता है, परीक्षा देता है, खूब रटता है, भोजन छोड़ना तो छोड़ता है, टीवी छोड़ना तो छोड़ता है, मोबाइल छोड़ना तो छोड़ता है। ध्यान रखना विश्व का एक भी लड़का ऐसा बता देना जिसने चारों नियमों का पालन किए बिना डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, राष्ट्रपति बनाओ, प्रधानमंत्री बनाओ, एक भी। चार अनियोग कह रहा हूं, चार अनियोग है। हाँ यही तो कहना है, जिस लड़के को टॉप सीए बनना है टॉप, मोबाइल छोड़ देता है, टीवी छोड़ देता है, गर्लफ्रेंड छोड़ देता है, बातें छोड़ देता है, गंदी बातें छोड़ देता है, बिकता छोड़ देता है, और किसी से लड़ाई झगड़े मोल नहीं लेता, क्यों? वो टेंशन होंगे ना, कोई कोई SMS करता है, ना फॉरवर्ड करता, ना लेना देना करता, कोई चक्कर नहीं, क्यों? अभी आप बीच में उलझ जाएंगे जबरदस्ती। पछता है मुझे अपनी बात याद आती है, मैं परीक्षा के 2-3 महीने पहले से ही रिस्क लेना बंद कर देता था। रिस्क लेना मतलब ऐसी मोटरसाइकिल साइकिल नहीं चलाना जिससे एक्सीडेंट हो जाए। एक्सीडेंट हो जाता पेपर बिगड़ जाएंगे, फिर पेपर का क्या होगा? मेरी एक गंदी आदत थी, एक ईंट की दीवार होती ना छतों पर, उस पर बैठ लेंगे, मैं बैठता नहीं था उस पर, क्यों भाई? तभी गिर गई मुंडेर पैसे गिर गई नीचे, बैलेंस खराब हो गया और गिर गए, आदत पड़ी हुई थी उस पर बैठने, लेकिन परीक्षा के टाइम नहीं बैठता था 1-2 महीने। मतलब ऑटोमेटिक, क्यों? अभी आप बिगड़े थे, अभी निपट जाए फिर अकेले पढ़ना पड़ेगा, परीक्षा देने जाना पड़ेगा, 4 गधों के बीच में बैठना पड़ेगा, और मई जून में परीक्षा दो, फिर से जुलाई में फिर नई क्लास, पढ़ाई चालू हो जाए, अपन कितने भी मतलब कितनी टेंशन। तो ये तैयारियां होती दिमाग की। अब जो चढ़ना नहीं हो गया, वो खाता नहीं है, ऐसे ऐसी नहीं खाता जैसे नींद आ जाए। पढ़ने वाला बच्चा दारू नहीं पीता, अभी बिबल हो जाए रात को, कल पेपर है सुबह, मन वो सारी जिंदगी पाप कर सकता है, उन दिनों पाप नहीं करेगा, शरणानियों का पालन करेगा, कह रहे हैं मोबाइल से बचेगा दुनिया में सब, सब क्यों? देखो इनका पालन किए बिना तो वो भी नहीं सफल होता, ये कह रहे तो मोक्ष में क्या सफल होगा? अब फिर से बोल रहा हूँ तीसरी बार, तो अभी हम पूछे कौन कौन समय दर्शन चाहिए, तो सब हाथ खड़े कर दे। ये मुझे कहना है कोई द्रव्य नमस्कार नहीं, सब हाथ खड़े कर दोगे, भाव नमस्कार करने के लिए वैसी तैयारी चाहिए, लगन चाहिए, निर्णय चाहिए, जिज्ञासा चाहिए, रुचि चाहिए। देखो बेटी इतना मैंने सब चर्चा अभी होगी 5 लब्धि की, 5 लब्धि में जिन्होंने सुन लिया हो तुम में से, 5 लब्धि में बहुत बात आई है, मैंने विशुद्धि लब्धि प्राय लब्धि है क्या चीज, सुना और भूल गए बस, बताए कैसी होनी चाहिए प्रायोगिक लब्धि? प्रायोगिक लब्धि कैसी होनी चाहिए बताऊं? अरे
हम सुना रहे था, तुम करणान्यक से बोल रहे, हम भाव पांच पक्ष से बोल रहे। देखो कैसी होनी चाहिए, जैसे हम एक घंटा बढ़िया प्रवचन करें बहुत मस्त, आपको भगवान आत्मा कहें भगवान आत्मा कहें भगवान आत्मा कहें, और एक सेकंड बीच में कोई तुम्हारी तुमसे जुड़ी हुई बात खराब कह दे, तुमसे जुड़ी हुई बात खराब, तुमसे जुड़ी है वो तो सही बताना, आपको पूरा प्रवचन एक तरफ और करण लब्धि चालू हो जाएगी, प्रायोग लब्धि चालू हो जाएगी। मेरे से कहा इनडायरेक्ट, मुझसे कह रहे इनडायरेक्ट, सबके सामने वेरी इंसल्ट, ये ऐसे पावर चढ़ेगी बिल्कुल करण लब्धि तक जाएगी, यहां से उठने के बाद भी बैठने के बाद भी, जैसे कीड़ा काटता है ना सिर में वो कुत्ते को रात को नींद में, भाई साहब क्या समझते हैं मुझे, मैं इतनी सेवा करता हूँ इतना खुश करता हूँ फिर भी मेरे पीछे पड़े हुए, आज तो हद हो गई, सबके सामने कह रहे हैं आग लगी मेरे तन बदन में, ये भगवान वहां तो भगवान कह रहे थे तब, हाँ वो तो आप समय से आगे बजे कह रहे थे, क्यों तुम्हें लगता है अंकित कि तुम भगवान हो, नहीं वो तो समय सारी गाथा है छठी गाथा, एक बात है सोनगढ़ी सारे पंडित भगवान आत्मा कहते हैं, देख तकिया कला हमें तकिया कला मैंने उसको यहां से छोड़ देते हैं, और गाली एक बात बताओ हम तुम्हें एक गाली दें तो तुम हमें एक थप्पड़ मारो कोई बात नहीं, और हमें एक करोड़ बार तुम्हें भगवान आत्मा कहे तो एक करोड़ बार धन्यवाद भी तो दो, वहां एक बार भी धन्यवाद नहीं हम तुम्हें ध्रुव कह रहे तीन लोग का सर्वोत्कर्ष कह रहे तुम्हें परमात्मा कह रहे, अल्पकाल में मोक्ष जाओ इतना इतने अच्छे अच्छे शब्द कह रहे, सुख जी मतलब नहीं भूल गए उसे आगे सो गए, तो फिर विशुद्धि नहीं, इसका मतलब विशुद्धि नहीं, प्रवचन सुनने के बाद यदि आपको कुछ लगता नहीं है तो विशुद्धि लब्धि नहीं, देश ने लब्धि भी नहीं हुई आपको, आपको छोपसम लब्धि भी नहीं कुछ नहीं कोई लब्धि नहीं, वाह ऐसे कैसे हम तो प्रवचन सुन रहे, ऐसे सुनवे इसका होते तो इंद्रियां थोड़ी है जो कान से सुन रहे हो, तो तुम अतीन्द्रिय भगवान आत्मा हो और अतीन्द्रिय को लक्ष्य में रख के सुनो तो तुम मजा आएगा। ट्रोडोमन जी ने क्या लिखा है, कोड़ी को अमृत पान कराएं और वो क्या करे, वो अमृत पान कराए वो ना करे, अवलोकन माँ चिंतामणि दिखाए दरिद्री को, जन्मजात दरिद्री को, जन्मजात दरिद्री, और हम उसे दिखाएं और ना देखे तो उसके अभाग की महिमा हमसे तो नहीं हो सकती, बोलो तुम कंगाल हो हम पैसे दें तो तुम खुश नहीं होगे, कितने प्रसन्न होगे, वो चिंतामणि हो रही अरे अमृत पिला रहे कोड़ी को अमृत पान करो हो रही कहो भैया, ए हम तो जन्म जन्मांतर तुम्हारा उपकार नहीं बोले भैया, तुमने आज अमृत पिला के हमारा कोड दूर कर दिया, जैसे कोड दूर होने पर वो कितनी महिमा गाता है, दरिद्रता दूर होने पर कैसी महिमा गाता है, ऐसे तुम्हें सम्यक दर्शन होने की कोई कीमत है, इसलिए सुनते 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 वो कीमत खत्म हो गई। मैंने कहा था ना एक दिन विश्व में सबसे अच्छी दवाई का नाम है हल्दी विश्व के समस्त रोगों को दूर करने की शक्ति है, उसमें एंटीसेप्टिक है पूरी, और तुम्हारी इम्यूनिटी बढ़ाने वाली है, मैंने तुम्हारी भाषा में, लेकिन हल्दी ए हल्दी ओ वह तुम्हारे घर में मतलब डबिया में धरी, मैंने तुम्हें उसकी वैल्यू नहीं आती, तुम्हें सम्यक दर्शन जितना अच्छा लगता है ना उतना अच्छा ध्रुव नहीं लगता, केवल ज्ञान जितना अच्छा लगता है ध्रुव तो उसके सामने कुछ लगता ही नहीं तुम्हें, और हम क्या कह रहे हैं पता है, केवल ज्ञान तुम्हें फीका लगे, केवल ज्ञान के प्रति तुम्हारा अट्रैक्शन तक ना हो, उससे अनंत गुनी महिमा वाला भगवान ज्ञान ध्रुव तुम हो मैंने सोचो लिखो निर्णय करो ऐसे कैसे कह रही, ऐसे कैसे कह रहे हैं, इसके लिए मैंने बहुत साल लगाए, मेरे प्रवचन सुन के देखना उसे मेहनत की मैंने, द्रव्य में से ध्रुव, गुण में से ध्रुव, पर्याय में से ध्रुव की सिद्धि, सारी दुनिया मुझे टोकती थी आप पर्याय की प्रवचन क्यों करती होती, आप मेरे प्रवचन सुन के देखो 10 प्रकार की पर्याय की मैंने भेद प्रभेद पढ़ाए और सब में से ध्रुव निकाला है, मतलब
सिद्ध किया है, सिद्ध किया है। और अभी कह रहा हूं आपको, चार अनियोग की चर्चा ध्रुव के बिना स्टार्ट नहीं होती। केवल ज्ञान, अब थोड़ा सुनने में बुरा लगे लेकिन कह रहा हूं, केवल ज्ञान लगता क्या है हमारे सामने, है क्या, क्या दम है केवल ज्ञान? अनंत वह भाग है, अनंत वह नहीं, अनंत भी का अनंत वह भाग है, क्या दम है हमें? तुम इज्जत ही नहीं करते हमारी। क्या कह रहे, समझ में आ रहे कुछ? कौन की इज्जत नहीं करते तो हिमांशु? नहीं, कौन की? हाँ, खुद की। तुम्हें कीमत ही नहीं आ रही अपनी, केवल ज्ञान से आनंद को नहीं हो तुम। केवल ज्ञान पानी भरता हमारे घर पे। अब ये आगम विरोध लगता नहीं, नहीं लगता। अरे ऐसे कोई क्या कहते हो, केवल ज्ञान हमारे घर में पानी भरता है। युवल जी बाबू जी का स्वर्ग की लक्ष्मी, जिन्हें तुम पूछते हो ना लक्ष्मी को, वो लक्ष्मी मेरे घर का पानी भरती है। सारा जगत जिस लक्ष्मी पूजा करता है, वो लक्ष्मी मेरे घर का पानी भरती है, झाड़ू लगाती है मेरे घर में। आहा, तुम क्या समझती हो? उन्होंने लिखा है सोगानी जी ने, पढ़ा नहीं पढ़ा? हाँ, केवल ज्ञान वह समुद्र की लहर है जो मेरे चरण स्पर्श कर करके पखार पखार करके जाती है। और बोलो, केवल ज्ञान वह है जो मेरी मेरे को नमस्कार करती है, इसलिए वो पूज्य हुई है। केवल ज्ञान की पूजा क्यों होती है लोग में? क्योंकि उसने मेरी पूजा की है। कौन की? अब हक्का वक्का हो रहे हो, केवल ज्ञान वहां सम्यक दर्शन ही हो जाए। मतलब कैसे दीन हो गया सम्यक दर्शन मांगता है? केवल ज्ञान तो मांग भी नहीं सकता जी, सिद्ध दशा की तो सोच भी नहीं सकता। पंडित जी, हम इतनी बड़ी बड़ी बात है तो हम नहीं कहते, लेकिन इतना से सम्यक दर्शन हो जाए। अब हम दही की लस्सी तो नहीं मांग सकत, चिन्ना मरा चाहिए मिल जाए तो नहीं। तब श्रीमद जी लिखा है, दीन वहे प्रभु पद जपे। दीन होकर के नहीं, तुम हो पहले नक्की ये निर्णय करो तुम हो कि नहीं। अब हम ध्रुव कहते हैं, तुम ध्रुव सोचने लगे, ध्रुव मत सोचो। ध्रुव का ध्रुव एक शब्द रखा हमने, उसका निर्णय करो, बताओ सचमुच इतना महान है कि नहीं। दृष्टांत तो हम कई बार दे चुके, आजकल में ही दिया हुआ। बोलो 1 करोड़ रुपए प्रति सेकंड की इनकम, अब दुकान चाहिए कि करोड़ चाहिए? बोलो क्यों? 1 करोड़ कम है। हम पूजा केवल ज्ञान क्यों नहीं चाहिए तुम्हें? लेकिन सोचो, सच कह रहे, लिखोगे तो बहुत मजा आएगा। आपको ध्रुव ही ध्रुव का लिखना है बस, हजारों पॉइंट निकलेंगे सच कह रहे, वो फिर मजा आएगा। वो तो मैं ही हूं, जैसे ही लगेगा मैं ही, वो बस हो गए काम। अब नहीं रही चिंता, अब नहीं रही हमें चिंता। बिल्कुल ऐसे जो वचन झर रहे ना पंडित साहब के, राजेंद्र कुमार जी की, ज्ञानियों की, वैसे तुम्हारी झरने लगी, अपने आप झरने लगी, तुम्हारी रचना सुंदर हो जाएंगी। सोचो कैसा कैसा हूं मैं। पंडित साहब की तो कितनी प्यारी प्यारी रचना है, ऐसा ही प्रभु मैं भी हूं, ऐसा ही प्रभु मैं हूं, ऐसा ही हूं कह रहे हूं, होऊंगा नहीं कह रहे। आज एक काम करो, तुम भजन मत गाओ, सीधे बोल के बता ना भगवान साहब, तुम सोच के भी नहीं बोल पाओगे। हम जो चाह रहे तुम बिना ही सोचे बोल दो, ये तुम्हारा निर्णय हो तो। अभी अभी भी ऐसा लगता है, कैरियर का क्या होगा भाई साहब, ये तो सब ठीक है सब मेरा, कैरियर का क्या होगा? हम कहे यही तो कैरियर है तुम्हारा। क्यों, तुम्हारे भविष्य का क्या होगा? अब आप तो कह रहे हम चल ले, ऐसे कैसे हो जाए? कजी कमाए पैसा, मम्मी पापा बस, जे मिथ्यात है मम्मी पापा, मम्मी पापा ही बस, तुम्हारे मम्मी पापा ही हो गए बस। और 3 काल में कोई मम्मी पापा नहीं भाई, मैं तुम आत्मा नहीं देख रहे, बस शरीर देख रहे, जे मम्मी पापा की सेवा करना है। हम कहते हैं 3 काल के मम्मी पापा की सेवा करो ना,
मैंने मेरे को मेरे संग ही रहते हैं भैया जब ज्यादा तब कभी नहीं नहीं देखा वो मेरे अपने घर वालों प्रति स्पेशल राग देखा वो आ रहे हैं ऐसा है वैसा है नहीं आ रहे मिल रहे नहीं मिल रहे हमको कभी क्यों अरे इतना बड़ा परिवार है इतनी कुंठित क्यों ना दो चार की सेवा कर सबकी सेवा कर और जैसे अपने माता पिता की नहीं कर सकते ऐसे किसी की नहीं कर सकते और किसी की नहीं कर सकते तो अपने को भी नहीं कर सकते अन्या करता भार नहीं पड़ता दिमाग पे ये भैया अभी इतने लोग आ गए आप क्या कर नहीं कौन आ गए आके और आ जाओ हजार 10,000 आ जाओ 50,000 आ जाओ 1,00,000 आ जाओ क्या फर्क पड़ने क्यों अकर्ता है इसलिए निर्वाह है अब ध्रुव देखोगे तो अकर्ता दिखाई देगा और फौरन टेंशन हो जाएगी अब क्या करो नहीं लिख के निर्णय करो कैसा है ध्रुव इतनी बड़ी बड़ी बात है असल को ना तक अभी सब रट डाली लोगों ने और बोलना शुरू कर दिए लेकिन मैं ऐसा हूं ये हिम्मत करा एक बार निर्णय हुआ तुम खुद बोलोगे ये मेरा भविष्य है ये मेरा कैरियर है सुनो अब पढ़ो इसको अन्य कोई मनोरथ करने लायक नहीं पढ़ा था अभी अपने जयसेन स्वामी का क्योंकि एक ही शुद्ध उपयोग मान एक शुद्ध ज्ञायक में रमणता एक ध्रुव की रमणता ध्रुव का विश्वास ध्रुव की मग्नता ये सर्व मनोरथों को पूर्ण करने वाला है बनारसी दास जी की भाषा में बोलो एक जानिए देखिए रम रही है एक ठोर समल विमल न विचार ये यही सिद्धि यही यही सिद्धि है बस अब हमें और दूसरा कोई काम नहीं अच्छा सम्यक दर्शन हो जाएगा फिर आचरण भी तो करना पड़ेगा अरे तुम क्या करोगे आचरण सम्यक दर्शन करने के बाद अपने आप होगा वो ज्ञान करना पड़ेगा अरे सुनो अपने आप होगा शास्त्र कब से लिखे गए अभी 2000 वर्ष से है ना लगभग 2000 वर्ष ठीक तो क्यों तो पहले केवल ज्ञान कैसे होता होगा जब पढ़े ही नहीं शास्त्र तो पहले जब शास्त्र नहीं पढ़े तो केवल ज्ञान कैसे होंगे बताओ अरे बोलो जब न जब पढ़ी नहीं छेड़ डाला मुझे इतने इतने ग्रंथ नहीं पढ़े फिर ज्ञान कैसे हो अवधि ज्ञान कैसे हो मन पर ज्ञान कैसे हो इसका मतलब एक शुद्ध उपयोग से ही शुद्ध उपयोग मतलब उपयोग शुद्ध को ग्रहण कर रहा है कुछ बदला मैंने जल्दी से क्या उपयोग शुद्ध ध्रुव को ग्रहण कर रहा है क्या चमत्कार है उसके आश्रय करने पर शुद्ध उपयोग भी होता है केवल ज्ञान भी होता है जरा नीचे चलो अणुव्रत भी होते हैं प्रतिमा भी होती है और आगे चलो महाव्रत भी होती है अरे उपसर्ग परिसर भी जीत जाते हैं अभी तुम क्या सोचते हो पंडित जी मैं मुनि जैसे खेच खाच के बन तो जाऊंगा 99% मुझे चिंता नहीं एक मच्छरों की बड़ी चिंता है तो सुनो तुम किसी लायक नहीं जो कह रहे तुम्हारी नग्नता तुम्हारे करोड़ों उपास ब्रह सब बेकार चले गए क्योंकि तुम अभी भी ये नहीं समझ पा रहे कि ये कहीं साधे सब सधे क्या कहा ये कहीं साधे यदि तुम शुद्ध ध्रुव को समझ लोगे उपसर्ग परिसर अपने आप जीते जाएंगे सरल दृष्टांत दृष्टांत दू मैं तो ये भाववाचक संज्ञा ना इसमें दृष्टांत ही दे सकते और कुछ नहीं कर सकते क्यों पानी के बल पे तुम पानी के बल पे पानी गर्म कर सकते हो क्या काम है पानी के बल पर पानी गर्म कर सकते हो अंकित नहीं कर पाओगे और पानी के बल पे प्रकाश कर सकते हो नहीं कर सकते पानी के बल पर हीटर नहीं चला पाओगे हाँ फिर तो पानी से बिजली पानी से प्रकाश नहीं होगा पानी से गर्म नहीं होगा और पानी से बड़े बड़े ट्रैक्टर नहीं चलेंगे और पानी से बड़ी बड़ी रेल नहीं चलेंगे और पानी से हजारों लाखों यंत्र नहीं चलेंगे पानी से पूरी हिंदुस्तान नहीं चलेगा पूरे विश्व की मशीन नहीं चल जाएंगी पानी से अब तो पानी है कितना थर्ड क्लास में अब तो पानी की कीमत ही नहीं आती यही है वो पानी जिससे प्रकाश हो रहा है यही है सामान्य पानी जैसे तुम सामान्य कह के वैल्यू लेस मानते हो यही है वो पानी जिससे तुम्हारी चक्री चल रही क्या कहला मिक्सी
पानी के आटे की चक्की जो जो चल रहा है इलेक्ट्रिक जितना जो ये सब पानी से चल रहा है। सुनो अब विद्युत ले लो बिजली, एक एक ही बिजली नाना काम कर देती है, एक स्विच ऑन करते ही बिजली से कितने काम हो जाएंगे सारे, लाखों प्रकार के यंत्र एक साथ झट, एक ठंडा करने का काम करना करने लगा, एक गर्म करने का काम करने लगा, देखो कितने काम कर देगा वो बिजली। बोलो सुनो ये बिजली उस पानी से तो आई है, बिजली का दृष्टांत ले लो। ऐसे एक ध्रुव की आश्रय से क्या नहीं होता बोलो। नहीं नहीं पंडित जी हमें बिल्कुल विश्वास नहीं, हम ध्रुव का आश्रय करेंगे तो संघनन कैसे मिलेगा और मच्छर कैसे भग जाएंगे, अपने आप भग जाएंगे मच्छर, बता हमें ध्रुव जान लिया मच्छर तो भगे ही नहीं। अरे तुम एक साथ सब साथ नहीं समझ में आ रही तुम्हें, यहां ये कह रहे एक ही मनोरथ, क्या मनोरथ लिखा था, सर्व मनोरथों के स्थान भूत, सर्व मनोरथों के स्थान भूत मोक्ष तत्व के साधन तत्व रूप शुद्ध को जिसमें परस्पर अंग अंगी रूप से परिणमित भावक भाविता के कारण, भावक भाविता के कारण माने सारी निर्मलता भाव्य है और एक शुद्ध उपयोग भावक है उसका। जल्दी बोल गए समझ में आया कुछ, भावक भाव क्या होता है, जैसे ज्ञायक होता है माने ज्ञान करने वाला, जैसे भावक माने भाव करने वाला, भावक और भाव्यता अंग अंगी है जी, अंग अंगी पर्याय अंग ध्रुव उसका अंगी है, ध्रुव उसका अंगी है, अंग अंगी भाव से मिलित है ना सर। स्वपर विभाग अस्त हो गया, क्या लिखा है स्वपर विभाग अस्त मतलब कोई विभाग नहीं रहा उसमें, अंग अंगी भाव से क्यों मिठास साधने की साध्य मिठास अंग है कि अंगी है, अंग नहीं समझते पार्ट, मिठास अंग है और मिठास ही अंगी है, मिठास से परिणमित शक्कर अंगी है, शक्कर के बिना मिठास नहीं रहती, मिठास के बिना शक्कर नहीं रहती, मिठास और शक्कर एक ही है, तुमने भेद करके एक अंश कहा ना, एक अंश शक्कर की मिठास शकर और अंगी, शकर अंगी और मिठास उसका अंग, सफेदी उसका अंग, सुगंध उसकी अंग, वजन उसका अंग, अंग माने पार्ट, तो अंग अंगी भाव से अस्त हो गया, भेद ही खत्म हो गया, समझ में आ रहा कुछ, अंग अंगी भाव समझ में आएगी नहीं पहले कि दृष्टांत दे, दृष्टांत दृष्टांत दे कोई, तुमने दूध पिया दूध में शक्कर, तुमने दूध पिया और दूध मीठा लगा तो तुम क्या बोलते हो दूध में क्या है, तो तुमने शक्कर चखी थी मिठास चखी थी, तो शक्कर कैसे कह रहे तुम जी अंग अंगी संबंध है, तुम झट बोले जोर से अरे इसमें शक्कर है, दूध मीठा पीते ही मीठा दूध मीठा लगते ही अरे इसमें बहुत शक्कर है, दूध मीठा पीते अरे इसमें शक्कर कम है, तुम मिठास चखते हो अंश को चखते हो और तुम अंश की भाषा बोलते हो जी क्या चक्कर है, डूबते हुए व्यक्ति की उंगली बाहर, अब वो नहीं वो तो तुम फिर दूर चले जाओगे, बहुत दूर है होता वो, ठीक है समझ गए हमने, इसमें लगाओ आत्मा में लगाओ, अंश अंशी भावक भाव्य, सुनाओ यदि दूध में शक्कर है, अब आगे चलो दूध में शक्कर तुम दिखती है, तुम्हें शक्कर शक्कर दिखती है, मीठे दूध में उंगली डालो दिखती है, छानो निकलती है, केवल जिब्बा से अनुभव में आती है, अब हमारे आगे चल रही, लेकिन इस एक शक्कर डालने पर सर्व मनोरथ पूरे होते हैं, सर्व मनोरथ पूरे होते, क्या सर्व मनोरथ पूरे होते, जो तुम्हें ग्लूकोज चाहिए वो भी मिल जाता है, तुम्हें पावर भी मिल जाती, ताकत आ जाती है, और उसके जो जो गुण होंगे ना, जो डायबिटिक हो गए तो डायबिटीज में भी तुम्हें काम करेगी वो, और आंखों में भी ताकत आ जाएगी, सेल जितने सेल है ना बॉडी के एक एक अंग वो ताकत आ जाएगी, वो एक शक्कर ग्रहण करते ही उसके समस्त अंशों ने काम किया, तो अंश अंशी संबंध अभेद हो गया, मन उसे भेद नहीं रहा,
ऐसे एक ज्ञाय का अनुभव करने वाले को सर्व मनोरथ पूरे हो गए। सर्व मनोरथ है काहे की बताओ, सर्व मनोरथ बताना क्या है, सर्व मनोरथ क्या है बताओ, सुख। बिल्कुल ठीक, ध्यान रखना टीवी देखना मनोरथ नहीं है, सुख मनोरथ है। टीवी काहे के लिए देखते हैं, सुखी होने के लिए। लड्डू खाना मनोरथ नहीं है, और सुखी होने के लिए। दुकान जाने की कोई इच्छा तक नहीं होती किसी को, लेकिन मनोरथ सुखी होने की है। विश्व में जितने काम किए जाते हैं वो सुखी होने के लिए किए जाते हैं। अब ध्यान रखना अभी जल्दी मत बोलो, बहुत सोचो, कुछ कहना चाह रहा हूं ताकत लगाने के लिए। अज्ञानी को सारे मनोरथ दिखाई देते हैं, एक सुख नहीं दिखाई देता। अब आप जो कह रहे क्या है क्या है, ध्रुव ध्रुव सुखी हो जाएंगे सुखी हो जाएंगे, तो दुकान नहीं जाए, मोड़ा मोड़ी नहीं पाले, और कमाए नहीं जाए, सब तुम जैसे हो जाए। अरे भगवान, सारे काम यहीं से हो रहे जब हम कह रहे, बताओ क्या करोगे तुम जब सारे काम एक से ही हो रहे हो। तो तुमने तो कह रही चिंतामणि ले लो, दुकान ना जाए। हम तुमसे पूछे बताओ, चिंतामणि हो दुकान जाने की नहीं जाने, और समझ में सर्व मनोरथ सोचो, बहुत गरिष्ठ। अभी हम दूसरी तरह से कह रहे, ध्यान सुनना, तुम ज्ञान करना चाहते हो या भोगना चाहते हो? वास्तव में तो तुम ज्ञान करना चाहते हो। टीवी में क्या रहे, समय जानना चाह रहे, टीवी थोड़ी देखने थोड़ी टीवी में जानना चाह रहे। तो हम एक बात कह रहे, जब तुम ज्ञाय को जानोगे और केवल ज्ञान होगा तो सब जानने में नहीं आ जाएगा। अभी तुम काय के लिए पीड़ित हो भाई साहब, घर गृहस्थी में टीवी तो चाहिए ही पड़ता है, और मोबाइल तो चाहिए ही पड़ता है, और फिर चार लोगों से दोस्ती करो बातचीत करो तो अपने जनरल नॉलेज बढ़ता है, तो ज्ञान तो बढ़ता ही। मतलब तुम जितने उपाय करते हो काय के करते हो, ज्ञान बढ़ाने के। और हम कह रहे ज्ञाय को जानने पर केवल ज्ञान होगा, तो सारे मनोरथ पूरे होते हुए इसे अभी भी यह नहीं लगता हमें केवल ज्ञान होगा। रहन दे पंडित जी, हमें तो तना गाना भी सुनने पड़े। हम क्या तीन लोग तीन काल पूरे गाना सुनोगे, अब बोलो। सर्व मनोरथ समझिए, सर्व मनोरथ एक ज्ञाय के अनुभव करने पर, एक ध्रुव के अनुभव करने पर, केवल ज्ञान होने पर, शुद्ध उपयोग है ना, ज्ञान दर्शन, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, निर्वाण, यह सब लिख रहे हैं इसमें, होने पर मतलब कौन सा मनोरथ पूरा नहीं होगा। तुम्हारे मनोरथ क्या है पंडित जी? अमेरिका घूमने बड़ी इच्छा, रूस, जापान, फ्रांस। तो हम पूछे तुम सब देशों में चले जाओगे तो क्या करोगे वहां? कि जा नहीं, कहा के लिए जाओगे? एफिल टावर कैसा लगता है, टीवी में तो देख लिया, एक बार साक्षात जाने की इच्छा है। तो हम कह रहे केवल ज्ञान में साक्षात जानने में आता है। लेकिन सही में इसको एक शुद्ध उपयोग की महिमा नहीं आ रही, इसलिए आचार्य देव ने बाद में भाव नमस्कार किया है। अब हमें और कोई मनोरथ नहीं रहा, अब हमारी कोई इच्छा नहीं है खाने की, चखने की, घूमने की, दुनिया को देखने की, शादी करने की, बच्चा की, कमाने की, दुनिया की कोई इच्छा नहीं बची। एक ही इच्छा है कि मैं ध्रुव हूं, क्योंकि मेरे सारे मनोरथ पूरे हो गए। ये भाव नमस्कार बोलो, चिंतामणि से हम लोग क्या क्या चाहिए बोलो। हमने पहले दृष्टांत दिए इसके, चिंतामणि तुम्हारे पास होता तो तुम्हारी मम्मी दो घंटा चार घंटा जितने लगे होंगे उन्हें, बूंदी बनाओ, नमकीन बनाओ, मीठा बनाओ, खाकरा बनाओ, इतनी मेहनत करती तो चार घंटा बचते कि नहीं बचते? अब चिंतामणि है बस। अब तुम कहो नहीं मम्मी शकरपारे बना दो, बहुत हमें टेस्ट है, ढोल चिंतामणि तो है, ताजी ताजी खाइयो, समझ गए? ओ जब चिंतामणि ही मिल गया तो नाश्ता कौन बनाए, कपड़ा कौन सिलवाए, दुकान कौन खोले, माल खरीदने कौन दौड़त फरेदस उधर, और ग्राहकों के सामने कौन हाथ जोड़े, तुम ही मेरे देवता। देखा नहीं देखा? दुकान मेरा मंदिर है, ग्राहक उसका देवता है, और दुकानदार उसका पुजारी है। सोचो, बोलो चिंतामणि होने पर जैसे तुम कुछ और नहीं कर, बात तो कर रहे हो तो बोलो,
मकान बनवाओगे क्यों खड़े होकर के दिन रात मेहनत करोगे? एमबीए करोगे क्यों? चिंतामणि मिल जाएगी तो एमबीए करोगे? बोलो। अब सोचो एक चिंतामणि के साधने पर सब सद गए, सब मनोरथ पूरे हो गए। ऐसे एक ज्ञायक के अनुभव करने पर तीन लोग तीन काल का ज्ञान हुआ तो सर्व मनोरथ पूरे हो गई। अब सुनो, अब कोई मनोरथ नहीं रहा, यही तो आनंद सुख है। तो दुख का है क्या बताने? चलो बोलो भाई, दुख दुख की परिभाषा बोलो। अरे बोलो, दुख की परिभाषा बोलो। मनोरथ जीतते होते ही तो दुख है। क्या बताएं पंडित जी, इमली नहीं खाई बहुत दिनों से, खीर नहीं खाई, मनोरथ है ढेर। एक बार उनसे मिलना बाकी रह गया, हमें बहुत दिनों से उनकी याद आ रही, मिल जाए, है ना। मनोरथ जितते मनोरथ उतना दुख, और ज्ञान मात्र में सब झलक गए, अब काहे का दुख। समझ में आया कि नहीं? दो ही तरह से सिद्ध कर दिया हमने, सुख चाहती थी तो सुख कैसे चाहती थी? अभी तुम क्या लगता है पंडित जी, आत्मा आत्मा सुख चूल्हे में जानते हो, हमें टीवी जरूर खरीदने और फ्रिज को मजा लेना, कूलर को, पंखा को। अरे भले आदमी, तुझे सारी चीजें नहीं चाहिए, एक सुख चाहिए। क्यों? तुमने फ्रिज लाए और तुमने हाथ लगाओ करंट लग गया और उस दिन से हाथ बेकार हो गया तुम्हारे। तो सही बताना, तुम्हारी 10 साल से बहुत उम्मीद इच्छा थी कि फ्रिज लाए, अब यहां चूल्हे में जाए फ्रिज हमारा हाथ। क्या मतलब निकला? आपको सुख चाहिए था, फ्रिज नहीं चाहिए था, जी कह रहे हैं। कुछ कह रहा हूं, पता नहीं आप कितना समझ रहे हो। अभी आपको लगता है ना पैसा होगा तो कार खरीदेंगे, कार नहीं, सुख चाहिए तुम्हें। पत्नी नहीं चाहिए, सुख चाहिए। बच्चा नहीं चाहिए, सुख चाहिए। सारा जगत सुख चाहे दुख ते भाई बन। अब सर्व मनोरथ एक सुख के लिए। अब हमने फार्मूला क्या घटा के बताया? जब हम ज्ञान को जानते हैं तो केवल ज्ञान होगा। केवल ज्ञान होने पर क्यों? फिर इससे भी तो जानने का ही काम करना था आपको। क्या जानना चाह रहे? ठंडा पानी पी क्या जानने तो चाह रहे थे? ठंडा ठंडा पानी तो ठंडे का ज्ञान करना चाह रहे थे। टेलीविजन में क्या देखना चाह रहे थे? ज्ञान ही तो करना चाह रहे। क्यों? क्या हुआ? देखना कितना स्कोर हो गया। जानने तो चाह रहे थे। ऐसे तुम 5 जिंदगी विषय भोगों से मात्र जानना चाहते थे। जी अनंत पीड़ा थी तुम्हारी, अनंत मनोरथ थे, जी अनंत मनोरथ, जी अनंत अनुबंधी थी। अब सुनो, तीन काल की सब जानने में आ गई, तब जानने का मनोरथ खत्म हो गया, तो सारे मनोरथ खत्म हो गए, अनंत सुख हो गया। क्यों? तुमने पिक्चर देखी टॉकीज में कभी? टॉकीज पिक्चर देखी है? देखी है। तो खुश होते हो दुखी होते हो? अभी हम बता रहे, तुम्हें ये लगता है कि अपने मरने के बाद जब अच्छी अच्छी पिक्चर बनी उनका क्या होगा? वे तो अपन देख ही नहीं पाएंगे। जैसे अखबार में तुमने पढ़ लिया आज एक बहुत धांसू पिक्चर बन रही, 2000 करोड़ रुपए की, और जो भी बनेगी मैं बहुत बड़ी। अब तुम्हें ये लग रही वो बनने में 25 साल लगेंगे, तो पहला दुख में तुम्हें क्या क्या लगता है? पता नहीं अपन तब तक जिंदा रहेंगे कि नहीं। बहुत तारीफ सुन रहे, रोज अखबारों में विज्ञापन आ रहा है उसका, रोज मोबाइल में उसके बॉक्स से विज्ञापन आ रहे हैं, क्या क्या आ रहा है, बड़ी अलग बिल्कुल ही है। मैंने कैसा लगता होता? मुझे ऐसा लगता है नहीं देख पाएंगे, तो जी दुख है ना आपका। सुनो, तीन काल की सारी पिक्चरें दिखेंगी, सोचो कोई मनोरथ नहीं रहा तो कोई दुख नहीं रहा। अभी तुम कितने प्रकार के आइटम चख सकते हो बोलो? मरते समय जी लगे एक वो रह गया, बहुत दिनों सुन रहे थे, पता नहीं चेन्नई में कुछ बनता है वो, और एक मराठी लोगों में कुछ बनता है, उस दिन बड़ा टेस्टी होता है, लोग बताते हैं वो क्या है, समझ में नहीं आ रहा क्या है। ये सारे लोग दुखी हैं, आइसक्रीम खाने वाले ऐसे दुखी हैं, वो क्यों? जी वाला क्या कह रहा है? हाँ, जी फ्लेवर तुमने चख लिया, वो क्या है? वो क्या है? वो क्या है? वो क्या है? वो सब खा ले, और अखबार में पढ़ा कि अमेरिका में अलग बनता है, जापान में अलग बनता है, तो ऐसा लग रहा है। अब जी मालूम कर्म बंद कर लेता है, अमेरिका का चखने के लिए अमेरिका में जन्म लेना चाहता है, और वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जब तक वो आइसक्रीम रहेगी कि नहीं रहेगी इसके जन्म के बाद।
बड़ी विचित्र हालत है। तो सर्व मनोरथ पूरे हो गए, कितनी अच्छी भाषा है। अब जयचंद स्वामी क्या कह रहे, जयचंद स्वामी तो एक को आने कोई मनोरथ करने लायक नहीं है, एक ही मनोरथ करने लायक है। कौन सा? नहीं, मनोरथ करने लायक नहीं है, केवल ज्ञान ही अनुभव करने लायक, केवल ध्रुव ही रमने लायक है, अनुभव करने लायक है, क्योंकि एक ही साध है। पंडित साहब का एक दृष्टांत देते समझाने के लिए, अभी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है ना, ईमान से समझ नहीं आ रही, तकलीफ हो रही है थोड़ी, कहा कह रहे समझ में नहीं आ रही। ये है असली पढ़ाई बेटे। अब तुम अभी ये मैं कर लो, और कौन कौन से ग्रंथ पढ़े रहे, वन प्रोफेशन सार पढ़ा रहे देखो, और तुम्हारे कोर्स में भी है, वहां तुम गजू ले गया पास कर दिया, तुम्हें कहा उनकी तो सर्टिफिकेट ही भरोसे नहीं की नहीं है, क्योंकि उन्हें विद्यार्थी चाहिए, मिल लेंगे नहीं तो उनकी नौकरी नहीं चलेगी। तो एक गधा भी भर्ती हो जाए तो वह कर लेंगे भी, पढ़ो चाहे मत पढ़ो, लिख आइए तुम तो। ये काफी को देख भी आ रहा, हम देख देंगे, हमें लिखवा देंगे, हमें तुम्हें बता देंगे 10% बात, ऐसे घोटाले होते हैं। सब जगह स्थिति यह है जैन समाज की, जैन बेंचों की। बनारस यूनिवर्सिटी में हम गए बनारस, तो अपन जहाँ उन्होंने खोला था ना बर्नी जी ने, वहां गए थे हम, हाँ नहीं गणेश प्रसाद बर्नी जी खोला था ना सियादबाद विद्यालय, हम वहां गए, तो वो वहां का प्राचार्य है एक, तो वो ऐसे कह रहे तुम लोग यहाँ से एडमिशन ले लो एमए में, जैन धर्म में, जैन में, जैन जैन ऐसे बहुत जरूरी है, कोई पढ़ नहीं रहा तो अपनी बेंच खत्म हो जाएगी। बड़ी मुश्किल से बर्नी जी ने चालू कराई थी, तो तुम लोग ऐसा कर लो, और तुम एक काम करो हिंदी से कर लो, फला से कर लो, बोले तुम्हें सारी सुविधा मिल जाएगी, तुम तो बस परीक्षा देने आ जाना, बाकी सब जिम्मेदारी हमारी है, 80% नंबर मिलने की जिम्मेदारी हमारी है, तुम तो बस पढ़ लेना, थोड़ा सा नहीं पढ़ पाओ तो कोई बात नहीं, थोड़ा पढ़ लेना, ऐसे हम बता देंगे शॉर्टकट। ये भगवान, और तुम उसमें एडमिशन ले लोगे तो तुम्हें 30 स्कॉलरशिप भी दिलवा देंगे, और भला भी करवा देंगे, और तुम बस नाम लिखा ली, फिर कहीं रहो, हम बुलाएंगे उस दिन जाना बस परीक्षा देने, तो 80% नंबर तो हम दिला ही देंगे, डिग्री तो मिल जाएगी। ये भगवान, मुझे इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ, गणेश प्रसाद जी पंडित जी ने कागली खोली होगी, इसलिए मुझे अभी बिल्कुल भरोसा नहीं रहे फर्जीवाड़ों की, विद्यार्थी नहीं मिल रहे, पढ़ाने वाले नहीं मिल रहे, कैसी हालत, खुश हो जाएंगे लोग, अपन ही खुश होंगे, दुनिया को तो कुछ पता ही नहीं कहाँ है तुम्हारी एम, और प्रवचन नहीं कर पाओगे लोग समझ जाएंगे कुछ नहीं यार, 2 मिनट चर्चा नहीं कर पाओ तो सब समझ जाएंगे, क्या फायदा। तो हम समझा रहे, फिर समझो ध्रुव का स्वरूप कैसा है, पंडित साहब बोले देखो एक ही साध है सब साधे। एक आदमी भूखा प्यासा था, भूखा प्यासा था, तो भूखे प्यासे की आंखें तक नहीं खुलती हैं, ऐसे खुलती ओंठ सूख जाती, पेट में भूख लगती है, चक्कर से आती, बिलैया सी दौड़त, पैरों में कंपन होता है, पूजा मन नहीं लगता, मैं सब पूरा पूरा शरीर एकदम कमजोर हो जाता, कोई जोर से बोले तो सुनते भी नहीं बनता, कोई चिल्ला भी मैं चिल्ला हुआ तो प्राण निकल रहे, मैं हर तरफ से दुखी होता है। तो डॉक्टर को चेकअप कराने गया, डॉक्टर को उसने सारी रिपोर्ट बताई, पेट की हालत, लीवर की हालत, किडनी की हालत, कान की हालत, आंख की हालत, ओंठ सूख रहे, गला सूख रहा, और सब पूरे शरीर। तो उन्होंने कही कोई बात नहीं, तुम्हें कुछ नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई कैसे तकलीफ नहीं है, हम रात भर से परेशान है, 2 दिन से परेशान है, और इतनी सारी तकलीफ बताई आधा घंटा, तुम कहे तकलीफ ही नहीं, तुम तो एक काम करो नींबू पानी पी लो, पौआ भर दूध पी लो, हाँ पौआ भर दूध पी वैसे तो पेट भर जाए, आंख के लाज का लेने, अरे तुम खाओ तो, जो चीज खाओगे उससे आंख भी सही होगी, ताकतवर हो जाएगी, सूंघने की शक्ति भी बढ़ेगी, ओंठों की तरावट भी आ जाएगी, फेफड़ों में शक्ति आ जाएगी, लीवर किडनी सबको ताकत मिलेगी। अरे हम क्या कहें, तुम एक गिलास दूध पी के तो देखो, तुम्हारे सारे शरीर में शक्ति का संचार होगा, तुम्हारी कोशिकाएं सब, और फिर गैस के लाजे, अरे फिर तुम अलग से बोलने लगे,
और सब डकार आई अरे मतलब हमें घुटना दुख अभी तो फिर बोले हमने कहा ना कोई बीमारी नहीं, तो भूख लग रही है, कमजोरी है, खाओगे पियोगे ताकत आ जाएगी, सब में आ जाएगी ताकत। ऐसे कैसे कान को अलग दवाई दी, अब जी तो एलोपैथी कर रहे इतने गंदे डॉक्टर हुए। अब एक काम करना, भूखे प्यासे होके चले जाओ, एक बार जाना चेक कराने, 5 दिन का उपवास करके जाना उनके पास और पूरी रिपोर्ट बताना, जो मैंने बताई ना इतनी सारी, उसे डॉक्टर को पूरी बताना, एम से जाना थोड़ा है अच्छी जगह। अंग्रेजी बड़बड़ा है कुछ, डिहाइड्रेशन हो गया कुछ, पता नहीं क्या हुआ बाला। वो एक काम कीजिए आप चेकअप कराइए, लीवर किडनी फला जी वो, और कान में तकलीफ ओके एक दवाई, नाक एक दवाई, आंख एक दवाई करे पूछ के देख लेंगे। और हम कह रहे हैं भोजन कर लियो खत्म। एक लड़का बेचारा फोकट में मर गया, पानी पूरी खाई थी बेचारे, ओवर खा ली, अब ओवर खा ली तो बेचारे को अपच होगी, अपच हो गई, जी पच लाता है वो, निकाल तो रहा नहीं था, क्यों इतने पैसा की खा के आए, 50 रुपये खा के आए मान लो, इतनी कीमती तो फेंक में लाए थोड़ी खाई, इतनी सी गलती करी निकालने थी भाई, तो जी मिचलाते रहो, बैठते नहीं बन रहा, लेटते नहीं बन रहा, जी मिचला रहा, सो अब इतनी सी गलती करी बस, कुंजल नहीं किया बस। और डॉक्टर का बेटा, पापा 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 अरे काय काय समझ नहीं आ रही कुछ, तो हॉस्पिटल ले गए, जिला हॉस्पिटल, जिला हॉस्पिटल वालों ने झांसी भेज दिया, झांसी वालों ने हर एक ने दो चार जैसे ठोकी, अरे पैसा तो ले लिया सबने, वो बिगड़ गया केस, तो दिल्ली पहुंचा एम्स, अब पैसा वाला करोड़पति आदमी था एम्स, उन्हें कही कोई छोटा मोटा रोग नहीं, बहुत बड़ा, जब तक तक आओ उन्होंने भी कछ नहीं, वो लगा दी, जी लगा दी, वो लगा दी, दो चार जी लगा दी, लाखों रुपए का बिल बना दे, और मोड़ा मार गया। हमने बचाने की बहुत कोशिश की इसके, लेकिन बहुत बड़ी बीमारी थी जी, समझो हमने 2 दिन जला लिया, यही बहुत है, ये तो पहले ही मर जाता। इलाज इतना सा था, समझ गए, ये कई साधे, एक ग्याय को जानने पर संगमन भी अच्छा होगा, पुण्य भी होगा, साधा वेदनी भी होगी, स्वर्ग आदि भी हो जाएंगे, कमाना भी नहीं पड़ेगा, बीमार भी नहीं होगे, बोलो कितनी मनोरथ है तुम्हारी, शिव सम भी मिलेगा, भी नहीं पड़े याद रहेगा, प्रवचन भी नहीं करना पड़ेंगे, दिव्य ध्वनि खिलेगी, रिद्धियां प्रकट होंगी, 64 रिद्धियां, जितनी तुम्हारी मनोरथ है सब रिद्धियों में। अब बताओ इतना प्रवचन कर सकती हो तुम, क्या करें तुम, अब तुम जानो, ऐसा मन होना चाहिए, आखिर में क्या लिखा, भाव नमस्कार है, ओह तो ये गायक रूप अनुभव करते रहे हम, ये उसका मतलब हुआ, हम अपने को गायक रूप अनुभव करते रहे, अर्थात शुद्ध उपयोग करते रहे। ओम, दो समय बदल रहे अपन लोग, समय बदलने का मतलब है कि सुबह तो अपन रखना चाह रहे हैं अब जल्दी, दिन बड़े हो गए, 10:15 बज जाती है, लेट हो जाती है।